हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ वसुंधरा। आप सभी कैसे हो? बहुत लंबे टाइम के बाद आपके लिए एक वीडियो लेकर आई हूँ जो कि बहुत 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 इम्पोर्टेंट है आज के टाइम के लिए, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ आप लोगों की प्रॉब्लम। जो लोग मुझे कहते हैं कि हमें बहुत हेयर फॉल हो रहा है, बाल कमजोर हो गए हैं, जाहिर सी बात है। तो थैंक यू सो मच इंडल्जियो जिन्होंने मुझे मेरी प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन भेजा है। और वो सॉल्यूशन क्या है? वो सॉल्यूशन है एक तो हेयर ऑयल, हेयर वाइटलाइजर है। मैं आज आपके साथ में इंट्रोड्यूस कर रही हूँ एक हेयर ऑयल, हेयर वाइटलाइजर, जो कि ये दावा करता है कि वो मदद करेगा हमारे बालों के झड़ने से, स्प्लिट एंड से, रूट से उसको रिकवर करेगा, ग्रे हेयर्स को होने से बचाएगा। जो भी इन दिनों हम लोग हमारे हेयर्स को लेके जितने भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उन्हें कम करने में हमारी मदद करेगा। तो मैं आपको एक छोटा सा जो है शॉर्ट दिखा देती हूँ कि मैं कौन सी ब्रांड के बारे में आपसे बात कर रही हूँ। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये रहा हमारा वाइटलाइजर, यानी कि लग्जूरियंट हेयर वाइटलाइजर। 120 ml की ये पूरी पैकेजिंग है, आप देख सकते हो। यहाँ पर आपको सब चीज मेंशन की जाती है कि हाउ डज एसेंशियल ऑयल कॉम्बैट हेयर लॉस, और ये क्या क्या आपको फायदे देने वाला है, ये सब चीज यहाँ पर मेंशन की गई है। किस तरीके से लगाना है, हाउ टू यूज, पैराबेन फ्री है, प्योर ऑयल है इसमें, और नो टेस्टेड ऑन एनिमल है, सल्फेट फ्री है, नो मिनरल ऑयल है। आप यहाँ पे, मैं थोड़ा सा और नजदीक लेके आती हूँ यहाँ पर इसको, आप देख सकते हो कि सब चीजें यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन की गई है, विच इज वेरी 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 गुड पार्ट। ओके, तो इस तरीके से ये पूरी पैकेजिंग आपके पास पहुंचने वाली है। ये है इसका फ्रंट पार्ट, और ये बॉक्स आपको यहां से खोलना है। ये जो आपको थोड़ा छोटा सा पीस दिया हुआ है, कुछ इस तरीके से आप इसको खोलेंगे, एंड दिस इज हाउ इट कम्स। इसके साथ में आपको ये ड्रॉपर भी दिया गया है, इस तरह से ड्रॉपर, ताकि आप इसको वेरी इजी तरीके से अपने हेड पे यूज कर सकें, स्कैल्प पे यूज कर सकें, और हल्के हाथों से जस्ट थोड़ी सी मसाज, कोई चंपी करने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको आपके स्कैल्प को ये लगना चाहिए, ताकि ये हेल्प करेगा आपके बालों को स्ट्रेंथन, स्मूदन और घने बनाने में, हेयर लॉस होने में बचाने की कोशिश करेगा कि हेयर लॉस ना हो, आपके घने बाल मिले, आपको ग्रे हेयर से आपको जो है छुटकारा मिले जल्दी से जल्दी। तो इसका रेगुलर यूज बहुत जरूरी है, तो हम इसको रेगुलर यूज करेंगे तभी कुछ हमें फायदा होने वाला है। तो कुछ इस तरीके से ये आपको पूरी पैकेजिंग मिल रही है। पैकेजिंग मुझे बहुत ही अच्छी लगी है, काफी ध्यान से इस पैकिंग को बनाया गया है। तो ये जो बॉटल आपको अभी दिख रही है, ये है 120 ml की बॉटल, आप देख सकते हो मेरे हाथ में कुछ इस तरीके से आ रही है। कांच की बॉटल है तो थोड़ा सा आपको हैंडल विद केयर करना पड़ेगा, अदरवाइज ऑल ओवर काफी अच्छी पैकेजिंग मैं देख पा रही हूँ। इसके पीछे भी सब चीज मेंशन की गई है, और कुछ इस तरीके से इस पे लिखा हुआ है, गेन अगेन बाय इंडल्जियो एसेंशियल लग्जूरियंट हेयर वाइटलाइजर 120 ml। तो ये पैकिंग आपको कुछ इस तरीके से मिलने वाली है। यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको इसका फॉर्मूला शो करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर से कैसा है ये, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। ये आप देख रहे हो अंदर दूध जैसा आपको लगेगा, एकदम ऑयल नहीं है बिल्कुल। और ये वैसे ये ऑयल है, लेकिन ये इट डज नॉट लुक लाइक ऑयल, ये बिल्कुल पानी वाली कंसिस्टेंसी है, तो ये बिल्कुल भी चिपचिप नहीं करने वाला है आपको। मैं दोबारा फिर से दिखा दूं, ये देखिए ये कुछ ऐसा आने वाला है, ठीक है। इसकी आपको पंप की तरफ से आपको लेनी है, ठीक है, कुछ कोई चिपचिप नहीं है, आप आराम से अपने इफेक्टेड एरियाज पे लगा सकते हो। तो मैं आपको जस्ट आपको हाथ में दिखा रही हूँ, एसएच ये बिल्कुल भी चिपचिप नहीं है, नजदीक से आपको दिख रहा होगा ना, वाइट 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 वाइट। तो
ये आपको अफेक्टेड एरियाज जहाँ पर आपके हैं, यानी कि जहाँ से आपके बाल उड़ने शुरू हो चुके हैं, जहाँ से आपके आपको बाल्डनेस शो हो रही है, आप वहाँ पर इसको लगाओगे। आप अपने पूरे उस पर लगा सकते हो, सर पे लगा सकते हो, बट जो आपके ज़्यादा अफेक्टेड एरियाज है ना, जहाँ पे या अगर वुमेन्स कहीं से अगर बाल्डनेस फील कर रही है तो वो वहाँ पर इसका यूज़ कर सकती है। ये मैन के ऊपर भी यूज़ हो सकता है, वुमेन्स के ऊपर भी यूज़ हो सकता है, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कर सकते हो। तो मुझे पैकेजिंग बहुत ही अच्छी लगी है और इसको आप इस तरीके से वापस डाल सकते हो। नेक्स्ट मुझे इसके साथ मिला है इंडल्जियो का ओनियन पेपर हेयर ऑयल, ये भी इसी का ही पार्ट है, गेन अगेन इंडल्जियो एसेंशियल। तो अगर आप ये दोनों प्रोडक्ट अपने मंगवाते हो तो आपके बालों को, आपके स्कैल्प को इन दोनों ही प्रोडक्ट्स की जरूरत पड़ेगी एक बेटर रिजल्ट के लिए। तो ये है अनियन ऑयल, आप देख सकते हो इसमें अनियन की फोटो भी बनी हुई है, कुछ इस तरीके से आने वाली है ये बॉटल। पैराबेन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, नो एनिमल टेस्टिंग है इसके ऊपर, प्योर ऑयल्स हैं। मुझे इनके इंग्रेडिएंट्स बहुत अट्रैक्टिव लगे हैं और बाकी चीज़ें मैं आपको वीडियो में बता ही चुकी हूँ। तो इसका भी पैच टेस्ट उतना ही ज़रूरी है, तो अगर आपकी स्किन को सूट होता है तो आप इसको ज़रूर कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज एक बार पैच टेस्ट ज़रूर ले लीजिएगा, ताकि क्योंकि कई लोगों को जो है एलर्जीज वगैरह होती है किसी न किसी चीज़ से, तो वो अगर आपको मिलती है तो आप देख सकते हैं कि आपको नहीं यूज़ करना है। बट अगर आपको कोई पैच टेस्ट के दौरान अगर आपको कोई एलर्जी फील नहीं होती है, कुछ भी ऐसा नहीं फील होता है, तो आप बड़े आराम से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं सब चीज़ें बड़ी मेंशन लिखी हुई है। इसमें है ओनियन एक्सट्रैक्ट, ब्लैक पेपर सीड ऑयल, रोजमेरी ऑयल, ग्रीन पेपर सीड ऑयल और कैस्टर ऑयल, एवोकाडो ऑयल, जोजुबा ऑयल। तो ये सब चीज़ें जो है हमारे हेयर्स के लिए वैसे ही हम जानते हैं कि बहुत अच्छी होती हैं, बट हमें ये सब चीज़ों का इन्फ्यूजन इस चीज़ में मिल रहा है, तो वाई नॉट। We need to use it at least 1 month. अगर आप चाहते हो 1 month regular basis पे हमें इसे use करना होगा, ताकि आपको मिले effective result. और लगातार 6 month आप इसको use कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपको result चाहिए ही चाहिए, तो we have to use this oil or vitalizer for 6 month at least. So एक महीने पहले से इसके result की कोई भी उम्मीद ना कर। मुझे ये दोनों ही चीज़ें मेरे पर्पसली बहुत फिट लगी हैं, तो थैंक यू सो मच इंडल्जियो एसेंशियल फॉर सेंडिंग मी दिस टू वेरी 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 इंपॉर्टेंट ऑयल और वाइटलाइजर फॉर माय हेयर, फॉर द ग्रोथ, फॉर द एवरीथिंग। जो भी चीज़ें मैं फेस कर रही हूँ इन दिनों, उस चीज़ का सॉल्यूशन मुझे मिल चुका है। आई होप आपको ये छोटा सा प्यारा सा रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो इसका ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको कुछ टाइम के बाद दूंगी, जब मैं इसको अच्छे से दोनों चीज़ों को यूज़ कर लूँगी, तो जो भी होगा जैसा भी होगा आपको इस चैनल पे इसका रिव्यू मिल जाएगा। तो लगे रहिए, जुटे रहिए इस चैनल के साथ में, ठीक है। और अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन। बहुत लंबे टाइम के बाद आ रही हूँ, जैसा भी है जो भी है आपको इस चैनल पर पता लगता रहेगा। चलेगा, इसमें मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय, टेक केयर।